एक बाइनोक्यूलर यानी कि एक दूरबीन की वजह से पूरी टाइटैनिक शिप कैसे डूब गई इसकी स्टोरी जानते हैं। तो डेविड ब्लेयर नाम के एक ऑफिसर थे जो कि टाइटैनिक पे ही वर्क किया करते थे। इन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है एक हाईली एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर से। डेविड काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और यह शिप से उतर जाते हैं। डेविड को बाद में रियलाइज़ होता है कि इनकी पॉकेट में क्रोज नेस्ट में जो लॉकर था उसकी कीज़ रह गई थी और उसी लॉकर में रखे हुए थे बाइनोक्यूलर्स। बाद में जब टाइटैनिक डूब जाती है इन्वेस्टिगेशन होता है कि टाइटैनिक कैसे डूबी, तो उसमें ये पता चलता है कि फ्रेड फ्लीट नाम के एक व्यक्ति थे जो कि क्रोज नेस्ट में ही वर्क किया करते थे और वो बताते हैं कि अगर बाइनोक्यूलर्स बाहर रखे होते या फिर लॉकर की कीज़ वहाँ रखी होती तो शिप को डूबने से बचाया जा सकता था। और फ्रेड फ्लीट ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले आइसबर्ग को देखा था और पूरे शिप के क्रूज को अलर्ट किया था।